कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें कुछ फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन उस समय ज्यादातर लोग बदलाव के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि बदलाव का अर्थ है नई परिस्थितियों से सामना, जिससे हम हमेशा बचना चाहते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी हमारा पूरा जीवन ही बदल देता है। इसलिए इस नए बदलाव के लिए क्या हमने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया है? दरअसल बदलाव नहीं चाहने के पीछे है असफलता या कहीं नाकामी का डर। जिस दिन हम असफलता को स्वीकार करना सीख गए, बस उसी दिन से बदलाव से हमारा डर खत्म हो जाएगा। हम सफलता और असफलता दोनों को सहज स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यकीन मानिए, यही सकारात्मक विचार की शुरुआत है, वो विचार जो जिंदगी को एक नई ऊंचाई जरूर देगा। और देखिए, बदलाव के लिए फैसले लेने के डर को दूर भगाने से कैसे सुधरेगी आपकी जिंदगी और कैसे और खूबसूरत बनेगा ये सारा जहां। स्वागत है आप सभी का, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले इस हफ्ते की सुर्खियां। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में फैला, अब 40 से ज्यादा देशों तक पहुंचा वायरस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से वैश्विक जोखिम को उच्चतम श्रेणी में रखा। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में कोरोना के पहले मामले की पुष्टि। जर्मनी में भी सामने आए संक्रमण के 50 मामले। चीन में मरने वालों की तादाद 2800 के पार। मलेशिया में प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के अचानक इस्तीफे के बाद देश में राजनीतिक संकट गहराया। सत्ताधारी गठबंधन के अंदर सत्ता सौंपने को लेकर खींचतान के चलते दिया इस्तीफा। समर्थन मिलने पर दोबारा प्रधानमंत्री बनने की भी जताई इच्छा। अब संसद कर सकती है नए प्रधानमंत्री का चुनाव। पूर्व सहयोगी इब्राहिम के साथ प्रधानमंत्री महाथिर की जबरदस्त सियासी टक्कर के आसार। और गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया में फिर बढ़ा तनाव। इदलिब प्रांत में तुर्की के 33 सैनिकों के हवाई हमले में मौत। सीरिया सरकार और रूस पर हमले का आरोप। तुर्की ने सीरिया के इदलिब पर नो फ्लाई जोन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से लगाई गुहार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पहले से जारी भयावह मानवीय स्थिति के बीच सभी पक्षों से क्षेत्र में तनाव कम करने की अपील की। कोरोना वायरस महामारी के 40 से ज्यादा देशों तक पैर पसारने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने वैश्विक जोखिम आकलन को बढ़ाकर वेरी हाई यानी बहुत उच्च श्रेणी में कर दिया है। अब तक दुनिया भर में 82,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि केवल चीन में 2700 से अधिक लोगों की मौत इस वायरस से हो चुकी है। ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान, इटली समेत कई देशों में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। नाइजीरिया में पहले मामले की पुष्टि हुई है। खतरनाक वायरस की चपेट में दुनिया भर के कई देशों के आने के बाद वैश्विक कारोबार में गिरावट और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। हर बीतते दिन के साथ कोरोना वायरस दुनिया में अपने पैर पसारता जा रहा है और इसके संक्रमण का दायरा बढ़कर 50 से अधिक देशों तक पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या अब तक करीब 85,000 हो गई है, जबकि इसे मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 2800 को पार कर गया है। कोरोना वायरस के मामले अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप में सामने आए हैं। फिलहाल WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक खतरा या पेंडेमिक घोषित नहीं किया है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख का कहना है कि कोरोना वायरस का संक्रमण अब इस स्तर पर पहुंच गया है कि कभी भी ये महामारी की शक्ल में नजर आ सकता है। हम सतर्कता के उच्चतम स्तर पर हैं, लेकिन ऐसा लोगों को डराने के लिए नहीं किया जा रहा है। ये धरती की हर सरकार के लिए एक वास्तविकता है। जागिए और तैयार रहिए, क्योंकि ये वायरस शायद रास्ते में है और आपको तैयार रहने की जरूरत है। चीन में कोरोना के नए मामलों में हर दिन तुलनात्मक रूप में कुछ कमी आ रही है। अब फोकस दूसरे देशों पर शिफ्ट हो गया है। चीन के बाद दक्षिण कोरिया, ईरान और इटली में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। दक्षिण कोरिया में करीब 3,000 लोग इससे संक्रमित हैं। 16 लोगों की जान जा चुकी है। ईरान में 34 लोग कोरोना की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। इटली में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में 50 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं।
हम उन देशों का हिस्सा हैं जो बिना किसी बदलाव के आंकड़े जारी करते हैं, प्रयोगशाला में मिले नतीजों के बाद कम से कम समय में आंकड़ों की घोषणा करते हैं। हमारे अनुमान के हिसाब से 15 फरवरी तक सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे और पुष्टि किए गए मामले वास्तव में 15 फरवरी के बाद गिर गए। हमारा पूर्वानुमान है कि महामारी को मूल रूप से अप्रैल के अंत में नियंत्रित किया जा सकता है। उधर अल्जीरिया, पाकिस्तान, स्वीडन, नॉर्वे, ग्रीस, रोमानिया, ब्राजील और मेक्सिको में भी कोरोना के पहले मामलों की पुष्टि हुई है। अमेरिकी सेना ने बुधवार को दक्षिण कोरियाई शहर डेगू स्थित एक 23 वर्षीय सैनिक में कोरोना वायरस के संक्रमण के पहले मामले की रिपोर्ट दी। दक्षिण कोरियाई सेना ने भी कई कोरोना वायरस संक्रमणों की सूचना दी है और अधिकांश सैनिकों को उनके बैरकों तक ही सीमित कर दिया गया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए अपने संयुक्त सैन्य अभ्यास को स्थगित करने का फैसला किया है। यूएस गठबंधन ने अगली सूचना तक इस साल की पहली छमाही में होने वाले संयुक्त कमांड पोस्ट प्रशिक्षण को स्थगित करने का फैसला लिया है, क्योंकि दक्षिण कोरियाई सरकार ने COVID-19 के कारण सतर्कता स्तर को उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ वायरस का असर अर्थव्यवस्था को भी बीमार कर रहा है। तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है। निवेशक वैश्विक आर्थिक मंदी के आने की आशंका से डरे हुए हैं। शेयरों के दाम 2008 के वैश्विक वित्तीय घाटे के बाद अब तक के सबसे बुरे स्तर तक पहुंचने की कगार पर हैं। वायरस की वजह से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और सप्लाई चेन में जो बाधाएं आई हैं, उसकी वजह से अमेरिका और यूरो जोन में मंदी का डर पैदा हो गया है। रेटिंग एजेंसी मूडी का कहना है कि अलग अलग जगहों पर तेज गति से फैलने वाली महामारी इस साल के पहले 6 महीनों में अमेरिका और पूरे विश्व में मंदी की शुरुआत कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना वायरस के कहर का असर क्या खेलों के महाकुंभ कहलाने वाले ओलंपिक पर भी पड़ेगा? कोरोना वायरस के दुनिया में फैलने की वजह से ओलंपिक पर इसका साया पड़ने की आशंकाएं गहरा गई हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से दुनिया भर के हजारों खिलाड़ियों का ओलंपिक में भाग लेना अभी से नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है, जिसकी झलक जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की एक अपील में भी दिखाई दी। चीन से दुनिया में फैलने वाले कोरोना वायरस का संक्रमण का साया अब टोक्यो ओलंपिक पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस साल टोक्यो ओलंपिक को लेकर आशंकाओं के बादल गहरा गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से बिगड़ते हालात को देखते हुए ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अगर मई के आखिर तक हालात काबू में नहीं आते तो टोक्यो ओलंपिक को रद्द किया जा सकता है। खास बात यह है कि कोरोना वायरस पर काबू ना पाने की स्थिति में ओलंपिक खेलों का समय नहीं बदला जाएगा और ना ही इन्हें टाला जाएगा, बल्कि खेल ही रद्द कर दिए जाएंगे। इधर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने बुधवार को कहा कि अगले 1 से 2 सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में उन्होंने टोक्यो में खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द करने या बंद करने का आह्वान किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अगले 1 से 2 सप्ताह बेहद खास हैं। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की वजह से होने वाली भारी भीड़ के दौरान इस संक्रमण के फैलने का बड़ा जोखिम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसे आयोजनों को रद्द, टालने या फिर कम करने का आग्रह करता हूं। ओलंपिक गेम्स 24 जुलाई शुक्रवार से शुरू होकर 9 अगस्त रविवार तक चलेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण की ही वजह से चीन में मुक्केबाजी और बैडमिंटन के ओलंपिक क्वालिफाइंग मुकाबले पहले ही रद्द किए जा चुके हैं। वहीं टोक्यो की गवर्नर यूरिको कोइके ने कहा कि कोरोना वायरस दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है और 15 मार्च तक का समय महत्वपूर्ण है। हम अगले 3 सप्ताह यानी 15 मार्च तक का समय कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए रख रहे हैं। हम टोक्यो में सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन को या तो आगे बढ़ाएंगे या फिर रद्द कर देंगे। ओलंपिक गेम्स 148 दिन दूर हैं।
लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस सभी महाद्वीपों में दस्तक दे चुका है उसे देखते हुए खेलों का आयोजन मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में फिलहाल एहतियात ही इलाज है और इसकी दवा या वैक्सीन बन नहीं सकी है। ऐसे में ओलंपिक जैसे महाआयोजन में हजारों खिलाड़ियों का आना, उनका ठहरना, खेल प्रेमियों और दुनिया भर से आए लोगों के रहने, ठहरने और खाने पीने का टोक्यो में बंदोबस्त करना संक्रमण को न्योता देने के बराबर है। खास बात यह है कि अभी तक ओलंपिक को रद्द करने को लेकर IOC ने कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। हालांकि कोरोना वायरस के कहर ने IOC के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर पैदा कर दी है, लेकिन उसे अभी भी WHO से अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। WHO से सुझाव मिला है, ऐसी कोई आपात योजना नहीं है कि जिससे कि गेम्स को रद्द किया जाए या आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल अंतिम फैसला IOC का होगा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की संस्था के साथ विचार विमर्श करके ही कोई कदम उठाएंगे। लेकिन जापान एक बार फिर एक ऐसी आपदा की आहट देख रहा है जिसकी वजह से उसके यहाँ खेल का महाकुंभ रद्द हो सकता है। इससे पहले साल 2011 में भूकंप और सुनामी के बाद जापान में बड़े स्तर पर खेलों को रद्द किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात मलेशिया की, जो अचानक एक सियासी संकट में फंस गया है। 94 साल के महातिर मोहम्मद के अचानक प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद अनिश्चितता के हालात पैदा हो गए हैं। मलेशिया में सत्ताधारी गठबंधन के अंदर सत्ता सौंपने को लेकर खींचतान चल रही थी, जिसके बाद महातिर ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस्तीफे के बाद उन्होंने अपने पहले संबोधन में यह भी साफ कर दिया कि अगर पूरा समर्थन मिले तो वो दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। इस्तीफा देने के बाद गहराए संकट पर देश के राजा अब्दुल्ला ने संकेत दिए हैं कि अब संसद में मतदान के जरिए नए प्रधानमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। मलेशिया में प्रधानमंत्री पद से महातिर मोहम्मद के इस्तीफे के बाद गहराए राजनीतिक संकट पर राजा ने बड़ा फैसला लिया है। देश में नए प्रधानमंत्री का फैसला अब संसद करेगी। सोमवार को संसद में इसे लेकर मतदान होगा और अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो आकस्मिक चुनाव भी हो सकते हैं। मलेशिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद इस बात की जानकारी दी। बहुमत ना मिलने पर राजा के अनुसार सही फोरम संसद है, तो संसद में ही पता चलेगा कि बहुमत किसे हासिल होगी और अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन अगर संसद भी बहुमत का पता लगाने में असफल रहती है तो चुनाव कराने होंगे। इससे पहले महातिर ने सत्ताधारी गठबंधन में मतभेद के चलते प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था, लेकिन राजा ने उन्हें बाद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। महातिर मोहम्मद ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक खींचतान के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए देश से माफी भी मांगी थी। राजनीति और राजनीतिक दलों को अलग रखकर अभी देखने की जरूरत है। अगर इजाजत मिलती है, मैं एक ऐसी सरकार का प्रस्ताव देता हूं जो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं होगी, बस केवल उसकी प्राथमिकता राष्ट्रहित होगी। मलेशिया के राजा ने संसद के निचले सदन के सभी 222 सदस्यों से निजी मुलाकात की। इसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद को गुरुवार को अपने महल में बुलाकर देश के नए प्रधानमंत्री के चयन के लिए संसद में सोमवार को मतदान कराने का फैसला लिया। हालांकि इससे पहले महातिर ने कहा था अगर उन्हें समर्थन मिलता है तो वो फिर से सरकार बनाएंगे, नहीं तो जिसे भी चुना जाएगा वो उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। ये सच है कि मुझे अभी भी समर्थन प्राप्त है और मैं वापसी करूंगा, लेकिन अगर नहीं कर पाता हूं तो जिसे चुना जाएगा उसे मैं प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करूंगा। मलेशिया में एक बार फिर प्रधानमंत्री पद को लेकर महातिर मोहम्मद और अनवर इब्राहिम आमने सामने हैं। संसद में महातिर की पार्टी बेसर्टू के 37 सदस्य हैं, जबकि अनवर इब्राहिम का समर्थन करने वाली पीपल्स जस्टिस पार्टी के पास 39 सांसद हैं।
वहीं अनवर इब्राहिम ने दावा किया है कि अलायंस ऑफ होप ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में उन्हें नामांकित किया है। दोनों के बीच राजनीतिक लड़ाई तब तेज हो गई जब महातिर मोहम्मद अपने वादे से मुकर गए। दरअसल इब्राहिम और महातिर की पार्टियों ने गठबंधन कर 2018 का आम चुनाव लड़ा था। इनके गठबंधन ने भ्रष्टाचार में घिरी नजीब रजाक सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। गठबंधन में प्रधानमंत्री पद को लेकर आम राय बनी थी कि महातिर मोहम्मद बाद में अनवर इब्राहिम को प्रधानमंत्री पद सौंप देंगे, लेकिन 94 वर्षीय महातिर ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से गठबंधन टूट गया। ऐसे में अब सोमवार का दिन मलेशिया के लोकतंत्र के लिए बेहद खास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे दुनिया रंग बिरंगी। आलू ऐसा एक फसल है जो कि भरपूर आपको खाद्य सुरक्षा का ये कर सकते हैं। टोटल प्रोडक्शन जो हम करीब 50 मिलियन मेट्रिक टन्स कर रहे हैं, उसका 8% भाग जो है वो प्रोसेसिंग में जा रहा है, तो ये एक देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसानों की उत्पादकता कैसे बढ़े, इस संदर्भ को लेकर के हम कार्य करते हैं। क्षेत्र झुलसा रोग के प्रतिबंधन के लिए भी हम इस दिशा में जो नए टूल्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके तहत जो है कार्य कर रहे हैं। हमने हमारा अभी टारगेट जो है, जो सबसे कम होना जो है 65-70 डेज में वैरायटी बनाने का हमने टारगेट रखा है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला पर देखिए हमारी खास पेशकश श्रेष्ठ संस्थान, शनिवार शाम 5 बजे और रविवार दोपहर 2 बजे सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। सीरिया की जमीन वर्षों से अमेरिका, रूस, तुर्की, इजराइल के लिए किसी युद्ध क्षेत्र की तरह बन गई है। यहां पर 2 दशक से जंग छिड़ी हुई है। अब हालिया घटनाओं के बाद सीरिया में फिर तनाव बढ़ गया है। सीरिया के उत्तर पश्चिमी इदलिब प्रांत में वहां की सेना ने एयर स्ट्राइक की, इसमें तुर्की के 33 सैनिक मारे गए। उधर तुर्की भी अब सीरिया सैनिकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में जुट गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने दोनों देशों से तत्काल युद्ध विराम की अपील की है। इदलिब सीरिया का वो आखिरी इलाका है जहां विद्रोहियों का कब्जा है। सीरिया के इदलिब में सीरियाई सेना विद्रोहियों से लड़ रही है, पर इस युद्ध का शिकार हो रहे हैं मासूम। ग्यारह से गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया में फिर से हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। हालिया सैन्य संघर्ष के बाद डर की वजह से सीरिया के लोग तुर्की की सीमा पार करके यूरोप में दाखिल होने की कोशिश में हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। हम केवल खा सकते हैं और सो सकते हैं, हमारा कोई भविष्य नहीं है, यही कारण है कि हम जाना चाहते हैं। दरअसल सीरिया के उत्तरी पश्चिमी इदलिब प्रांत में गुरुवार से स्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हैं। अपने इदलिब प्रांत में रूस से समर्थन प्राप्त सीरियाई सेना ने एयर स्ट्राइक की, इसमें तुर्की के लगभग 33 सैनिक मारे गए। इस हमले का आरोप सीरिया की बशर अल असद सरकार पर लगाया जा रहा है। 2018 के एक समझौते के अनुसार रूस को इदलिब में शांति लानी थी, लेकिन तुर्की सीरिया और रूस पर समझौते के उल्लंघन के आरोप लगा रहा है। ये हमला जमीन पर रूसी अधिकारियों के साथ पहले से समन्वित किए जा रहे हमारे सैनिकों के स्थान के बावजूद हुआ। दुर्भाग्य से पहले हमले के बाद दी गई चेतावनी के बावजूद हमले जारी हैं। सीरिया के इदलिब प्रांत में हवाई हमले में अपने सैनिकों के मारे जाने के बाद तुर्की ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और सीरिया के 45 सैनिकों को मारने का दावा किया है। इन एयर स्ट्राइक की वजह से रूस और तुर्की में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इसके बाद तनाव कम करने के लिए दोनों देशों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दोगन ने फोन पर भी बात की।
संवाद के लिए हमेशा जगह होती है। तुर्की के अनुरोध के बाद पुतिन और एर्दोगान ने फोन पर बात की। ये एडलिब डीएस्केलेशन जोन पर प्रारंभिक समझौतों को पूरा करने की जरूरत के लिए समर्पित एक विस्तृत बातचीत थी। इस बीच तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इदलिब को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की है। दरअसल यहां मौजूद लड़ाकों को तुर्की का समर्थन हासिल है और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए यही सिरदर्द का कारण है। असद को पूरे सीरिया पर नियंत्रण के लिए इस इलाके पर कब्जा करना जरूरी है, लेकिन तुर्की के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। हालात गंभीर होता देख संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई। जिन तुर्की बलों पर हमला किया गया वो उस क्षेत्र में अकेले थे। इसका निष्कर्ष ये है कि उन पर जानबूझकर हमला किया गया था। हमारे काफिले के स्थान के बारे में रूसी सेनाओं के साथ लिखित समन्वय था और पहले हमले के ठीक बाद हमारी तुरंत दी गई चेतावनियों के बावजूद हवाई हमले जारी रहे। दिए गए निर्देशांक ने उन क्षेत्रों का उल्लेख नहीं किया जहां तुर्की सैनिकों की मौत हुई थी। जैसे ही ये साफ हो गया कि ऐसा हुआ है, रूसी पक्ष ने दुश्मनी को रोकने और मृतकों और घायलों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपाय किए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इन हमलों को रोकने की चेतावनी दी है और कहा है कि अगर हमले नहीं रोके गए तो 2011 से चल रहा ये संघर्ष सबसे बुरे मानवीय त्रासदी में बदल सकता है। In recent days, I've warned repeatedly. हाल के दिनों में मैंने उत्तर पश्चिमी सीरिया में शत्रुता के बढ़ते जोखिम के बारे में बार बार चेतावनी दी है। मुझे डर है कि पिछले 24 घंटों की घटनाओं के साथ हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं। ये सीरियाई संघर्ष में सबसे खतरनाक पलों में से एक है। तुरंत कार्रवाई के बिना अधिक से अधिक वृद्धि का जोखिम बढ़ता जा रहा है। वहीं सीरिया के हमले से तिलमिलाए तुर्की ने यूरोपीय देशों को भी धमकी दे दी है। तुर्की ने कहा है कि वो यूरोप में प्रवासियों की बाढ़ ला देगा। सीरिया युद्ध के दौरान लाखों प्रवासी तुर्की और आसपास के यूरोपीय देशों में आ गए थे। तुर्की में करीब 40 लाख सीरियाई शरणार्थी हैं। ऐसे में यूरोप पर दबाव बनाने के उद्देश्य से तुर्की ने धमकी दी है, शरणार्थियों को यूरोप जाने के लिए अपना रास्ता खोल देगा। इस बीच यूरोपीय यूनियन ने तुर्की से कहा है कि वो 2016 में किए गए शरणार्थी समझौते पर कायम रहे। इस समझौते के तहत यूरोपीय देशों ने तुर्की को 6 अरब यूरो दिए थे ताकि शरणार्थी यूरोपीय देशों में न आ पाए। इस लड़ाई में किस देश को क्या मिल रहा है कहा नहीं जा सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि जंग में जिंदगी ही हार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर की कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। आइए देखते हैं दुनिया एक नजर। अमेरिका और अफगानिस्तान के शांति गुट तालिबान के बीच शनिवार को कतर की राजधानी दोहा में शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इससे अमेरिका की सबसे लंबी जंग के खात्मे की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए भारत समेत 30 देशों के राजदूतों को दोहा आने का न्योता भेजा गया था। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने तालिबान के साथ डील साइन की। इसके बाद रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने अफगानिस्तान सरकार के साथ साझा बयान जारी किया। इस समझौते के 18 साल बाद अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा। अमेरिका चाहता है कि समझौते में इस वादे को शामिल किया जाए कि तालिबान अफगानिस्तान को आतंकवादी समूहों के आधार केंद्र के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच शुक्रवार को अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के नेताओं के साथ एक विशेष शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया। अमेरिका ने आसियान देशों के साथ परामर्श करके आसियान नेताओं के साथ होने वाले शिखर सम्मेलन को स्थगित करने का फैसला लिया है। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के देशों के साथ हमारे संबंधों को महत्व देता है और भविष्य की बैठकों के लिए तत्पर है। अब आसियान शिखर बैठक मध्य मार्च में हो सकती है। मिश्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का 91 साल की उम्र में निधन हो गया।
सेना की ओर से 2011 में सत्ता से बेदखल किए जाने से पहले होस्नी मुबारक 3 दशकों तक देश के शीर्ष पद पर काबिज रहे। उनको देश में 18 दिनों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद 11 फरवरी 2011 को इस्तीफा देना पड़ा था। मुबारक को आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या का दोषी पाया गया था, लेकिन बाद में उसकी सजा को माफ कर दिया गया। इसके बाद मार्च 2017 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बाढ़ का पानी राष्ट्रपति भवन में भी दाखिल हो गया है। हालांकि अधिकारी के मुताबिक हालात नियंत्रण में हैं। शहर के कई इलाकों में 5 फीट तक पानी भर गया है और हजारों लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। बाढ़ के कारण सड़कें, बिजली और घरों को खासा नुकसान हुआ है। बारिश के चलते तपनोली जिले में नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके चलते आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ गई है। भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में आकर अब तक 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और लगभग 1,75,000 लोग विस्थापित हुए हैं। इंडोनेशिया की मौसम एजेंसी ने आगामी 2 हफ्ते तक बारिश होने का अनुमान लगाया है। और अब इतनी गंभीर खबरों के बाद बात कुछ हल्के फुल्के अंदाज की। आइए आपको दिखाते हैं दुनिया रंग बिरंगी। ब्राजील की राजधानी रियो द जेनेरियो में सालाना कार्निवाल की धूम रही। इस बार 13 सांबा स्कूलों ने अलग अलग विषयों पर अपनी झांकियां बनाई। रंग बिरंगी झांकियों के साथ गाते और नाचते हुए ग्लैमरस सांबा डांसर्स को देखने इस साल भी भारी भीड़ उमड़ी। साथ ही शहर की स्ट्रीट पार्टी में हजारों लोग डांस का मजा लेते दिखे। पार्टी में यहाँ लोग ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम और हेड ड्रेसेस में नजर आए। ब्राजील में हर साल कार्निवाल का इंतजार बड़ी बेसब्री से किया जाता है। ये कार्निवाल 5 दिन तक चलता है। ब्रिस्टल में पहली बार गुरुवार को लाइट फेस्टिवल लॉन्च किया गया। जगमगाती रंग बिरंगी रोशनी से शहर चकाचौंध हो उठा। शहर में स्थित 9 अलग अलग स्थानों को रचनात्मक तरह से लाइट शो में बदला गया। यहाँ के कासल ब्रिज में ऐसी लाइट लगाई गई है जो लोगों के ब्रिज पर चलने से जगमगा उठती है। 1 मार्च तक हर शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक शहर को रंग बिरंगी रोशनी से रोशन किया गया। लंदन के लेस्टर स्क्वायर को गुरुवार को ब्रिटेन के सिनेमा इतिहास से प्रेरित फिल्म प्रतिमाओं से सजाया गया। सीन्स इन द स्क्वायर नाम की इस प्रदर्शनी में बैटमैन, लॉरेल एंड हार्डी, मैरी पॉपिंस, मिस्टर बीन, पैडिंगटन और जीन केली सहित कई फिल्मों के पात्रों की कांस्य मूर्तियों को लगाया गया है। प्रदर्शनी के अनावरण पर इन्हीं फिल्मों से जुड़े कलाकार भी नजर आए। लेस्टर स्क्वायर के 1670 में स्थापित होने के बाद 350 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वैसे तो ये 8 मूर्तियां साल की गर्मियों तक प्रदर्शित की जाएंगी, लेकिन आयोजकों को उम्मीद है कि मूर्तियां और ज्यादा समय तक रहेंगी। डेम हेलेन मिरेन को गुरुवार को 70वें बर्लिनेल फिल्म फेस्टिवल में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए एक खास गोल्डन बेयर से सम्मानित किया गया। 74 साल के मिरेन ने 2007 में द क्वीन में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार जीता और 5 दशकों के करियर के दौरान कई सम्मान अपने नाम किए। इसके अलावा मंच और टेलीविजन पर अपने काम के लिए भी मिरेन कई पुरस्कार जीत चुकी हैं। और इसी के साथ सारा जहां के इस हफ्ते के सफर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। बने रहिए राज्यसभा TV के साथ। नमस्कार।